ਹਮਲਾ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਦੋ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਰ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜ਼ਖਮੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰੋਲ ਜੰਪ ਕਰਕੇ ਫਰਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਸੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਅਰਸ਼ ਡਾਲਾ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਦੋ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਰ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਰਸ਼ ਡਾਲਾ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਦੋ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੋ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਖਬਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸ਼ੰਕਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸ਼ੰਕਰ, ਦਿੱਲੀ ਮੇ ਬੜਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ, ਕਿਆ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ? दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और बदमाशों के बीच में कल देर रात में एक मुठभेड़ हुई थी। ये मुठभेड़ हुई है अक्षरधाम और मयूर विहार वाला जो इलाका है उसी इलाके में मुठभेड़ हुई है। दरअसल दो बदमाश जो बाइक सवार थे वो नोएडा से दिल्ली की ओर प्रस्थान कर रहे थे और जब दिल्ली की ओर आ रहे थे तो वो पहले से ही उसके बारे में स्पेशल सेल को जानकारी थी। उसके बाद उन दोनों को रोकने का प्रयास किया गया लेकिन उसी दौरान में बदमाशों के द्वारा फायरिंग की गई है। उसके बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए उस बदमाश को वहीं पे उसके पैर में गोली मार करके उसे गिरा दिया गया। उसके बाद वहां पे मुठभेड़ की जो प्रक्रिया हुई, मुठभेड़ की प्रक्रिया के बाद उन दोनों बदमाशों को घायल अवस्था में पास के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन अब इन बदमाशों के बारे में जानकारी जो जिस तरह से मिली है वो बेहद चौंकाने वाले हैं। जिस तरह से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को जानकारी मिली कि ये दोनों बदमाश पंजाब के कुछ गैंगस्टर्स और उसके गुर्गों के संपर्क में थे और इसके साथ ही ये भी जानकारी मिली है कि पंजाब का एक और सिंगर इन बदमाशों के रडार पर था। तो वो कौन सा सिंगर है इस मामले में विस्तार से पूछताछ की जा रही है और किस तरह से उस पंजाबी सिंगर तक पहुंचना और उस पर फायरिंग करने का जो एक प्लान जो है वो रचा गया था। तो इन तमाम मामलों को विस्तार से पूछताछ की जा रही है और जब ये दोनों अस्पताल से जब पुलिस की कस्टडी में आएंगे तो उसके बाद और ज्यादा विस्तार से इसमें पूछताछ की जाएगी। लेकिन आखिर वो कौन सा सिंगर है जो जिसके खिलाफ अभी साजिश रची जा रही है और इस मामले में जिस तरह से गैंगस्टर्स अर्श डाला का नाम आ रहा है तो उसके ही गुर्गों के द्वारा इस हत्याकांड को अंजाम देना था। एक तरह से कहा जा सकता है कि जिस तरह से सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, एक बड़ी साजिश रची गई थी, तो उसी तरह का एक साजिश जो है वो निकल के सामने आ रहा है। तो लिहाजा इन तमाम मामलों पर थोड़ी देर के बाद दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की टीम जो है उनके अधिकारियों के द्वारा इस मामले में ऑफिशियल स्टेटमेंट भी दिया जाएगा कि आखिर वो कौन सा पंजाबी सिंगर था और किस तरह से ये पूरा एनकाउंटर को अंजाम दिया गया। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है लेकिन इस मामले में जो बड़े खुलासे होने वो बाकी है जिसके बारे में तकरीबन 12 बजे स्पेशल सेल की टीम ऑफिशियली स्टेटमेंट देने वाली है। ठीक है शंकर, फिलहाल पूरी जानकारी लिए बहुत धन्यवाद। असल दिल्ली के जुड़ी है वड्डी खबर है जिथे कि दिल्ली पुलिस के स्पैशल सैल के वलों अर्श डाला के दो शूटरों को काबू किया गया। स्पैशल सैल ने दो बदमाशों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। एनकाउंटर के दौरान एक शूटर के पैर के गोली लगी है तो जो शुरुआती जांच के भी वड्डा खुलासा होया कि किसी पंजाबी सिंगर से हमला करने इन्हों के वलों प्लानिंग की जा रही। हालांकि जांच का विषय है कि आखिरकार कौन है पंजाबी गायक जिसके खिलाफ ये पूरी साजिश रची जा रही थी, पूरी प्लानिंग की जा रही थी। इसको लेकर विस्तार के नाल पुलिस के वालों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी जानकारी दी जाएगी।